मथुरा, आबकारी विभाग ने 10 लाख रुपए का अवैध शराब बनाने का कीमत केमिकल तो हम किया जब्त। एक्सपर्ट तो उसकी दादरी कीमत से नहीं बता पटना जा सकते, रहा था अवैध लेकिन जिससे केमिकल, शराब वगैरह थाना बनाई है राया इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे के कट से हुई कार्रवाई। आयशर कैंटर सहित 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कैंटर तो में बहुत काफी चुनी मात्रा के में बनती, बोरों क्योंकि के 32 बीच डब में लगभग केमिकल के 6400 32 लीटर ड्रमों को छुपा कर एक्सपर्ट ले की जा है। रहे थे तस्कर। आबकारी विभाग को खास मुखबिर की सूचना मिली कि एक ट्रक जिसमें शराब बनाने का केमिकल लगा हुआ है, वह पटना से निकला और दादरी के लिए जाएगा। सूचना पाकर आबकारी विभाग ने कल रात ही यमुना एक्सप्रेसवे उसके पर साथ चेकिंग था, अभियान चालू कर दिया। कई इनको घंटे की हिरासत में मेहनत ले के लिया गया बाद और एक आयशर कैंटर को आते देखा, उसकी चेकिंग की गई तो चुनी के कट्टों के बीच में पकड़े शराब गए। बनाने के हाँ, केमिकल दो अभियुक्त के जो है इसमें 32 पकड़े ड्रम, गए हैं, एक ड्रम में एक लगभग ड्राइवर था। 200 लीटर भरी हुई थी। ट्रक सहित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाइट ओमवीर सिंह, डीओ आबकारी। बाइट प्रबल और प्रताप, इससे सीओ काफी शराब राया। बनाई। ये सूचना मिल रही थी कि कुछ स्प्रिट लोग लेके जाते हैं, यहाँ से इस रास्ते से निकलते हैं, तो रात में चेकिंग की जा रही थी। तो उस चेकिंग के दौरान एक आयशर कैंटर जिसमें बोरों में भर के भूसी लदी हुई थी, उसको रोका गया, उसको तलाशी ली गई। तो बोरों के नीचे 32 ड्रम, जो प्रत्येक ड्रम लगभग 200 लीटर का होता है, जिसमें 200 लीटर लिक्विड आ सकता है, वो छुपा के रखे गए थे। जिनको खोल के देखा तो उनमें स्प्रिट जैसी चीज कोई भरी हुई थी, जिसको जांच किया गया। जांच करने पे वो स्प्रिट पाई गई, उसको रोका गया। तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जो प्रभावी कार्रवाई की गई थी वही क्रम जारी है और आज दिनांक 23/11/18 को प्रातः आबकारी विभाग की टीम और हमारी राया पुलिस की टीम ने एक सूचना पर एक ट्रक में स्प्रिट जा रही थी, करीब 6400 लीटर इसमें स्प्रिट थी और एक ये बहुत बड़ा जाल जो बिछा हुआ है स्प्रिट तस्करी वालों का, उसके लिए राया पुलिस जो है पहले से ही लगी हुई थी और जो आज पकड़ी गई है ये स्प्रिट, इसका पूरा नेटवर्क पकड़ने के लिए अपना मुखबिरों के माध्यम से इस पर काफ़ी आगे काम करना है और ये 2 लड़के इसमें पकड़े गए हैं, महेश पुत्र यादराम, चंद्रशेखर पुत्र शांति स्वरूप और पप्पू पुत्र सूरजपाल, तीन तीन हैं है ना। और ये तीसरा जो व्यक्ति है जो इन्होंने नाम बताया है ये भागा हुआ है, 2 गिरफ्तार किए हुए।